संभल में एकादशी पर मनाई गई होली, बच्चों से बड़ों तक होली के रंग में रहे सराबोर, नृत्य नाटक का किया गया आयोजन। बरेली के फतेहगंज में हत्या से मची सनसनी, ढाबा संचालक मिला खून से लथपथ, जांच में जुटी पुलिस। द कश्मीर फाइल को लेकर मचा बवाल, राष्ट्रीय हिंदू परिषद पहुंचे सिनेमाघर, सिनेमाघरों को की आग के हवाले। आगरा में महिला डॉक्टर ने प्रसव के बाद नवजात को दी सांसें, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। होली पर तो आपने हर किसी को जगह जगह रंग खेलते देखा होगा, मगर एकादशी पर पूरे देश में सिर्फ संभल में ही रंग खेला जाता है। लोगों का कहना है कि पुरानी परंपरा के अनुसार हम आज तक रंग खेलते हुए आ रहे हैं, वह इस बार भी फागुन महीने की रंग एकादशी के मौके पर जगह जगह संभल में उड़ाते हुए रंग खेला गया है। हर तरफ हर कोई गुलाल में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो इस बार होली 18 मार्च को मनाई जा रही है, लेकिन अगर संभल की बात करें तो आज एकादशी पर जगह जगह रंग खेलते हुए लोग मस्ती में दिखाई दिए और नगर के मोहल्ला ठेर पर संजय अग्रवाल के चबूतरे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्व हिंदू महोत्सव समिति के द्वारा राधा कृष्ण के नृत्य नाटक का आयोजन किया गया और लोगों को जलपान कराया गया। इस दौरान वहां पर बच्चों ने जमकर होली खेली और रंग गुलाल उड़ाया, तो साथ ही राधा कृष्ण के भेष में सजे कलाकारों ने लोगों के साथ होली खेलकर माहौल में आनंद कर दिया। इस दौरान वहां पर मौजूदा राधा कृष्ण के भेष में सजे कलाकारों के साथ होली और राधा कृष्ण के होली भजनों पर झूमते हुए नजर आए। वैसे तो इस बार होली 18 मार्च को मनाई जा रही है, लेकिन अगर संभल की बात करें तो आज एकादशी पर जगह जगह रंग खेलते हुए लोग मस्ती करते हुए दिखाई दिए और नगर के मोहल्ले ठेर पर संजय अग्रवाल के चबूतरे पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्व हिंदू महोत्सव समिति के द्वारा राधा कृष्ण की नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया और लोगों को जलपान कराया गया। इस दौरान वहां पर बच्चों ने जमकर होली खेली और रंग गुलाल उड़ाया, तो साथ ही साथ राधा कृष्ण के भेष में सजे कलाकारों ने लोगों के साथ होली खेलकर माहौल का आनंद लिया। वही लोगों का कहना है कि पुरानी परंपरा के अनुसार हम एकादशी पर्व रंग के साथ खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में देश विदेश से होली खेलने के लिए हर साल लोग यहां आते हैं। वे इस होली पर एक दूसरे को रंग लगाकर होली का आनंद लेते हैं। साथ ही प्रसिद्ध होली लठमार का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। वहीं इस होली में महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं और होली का आनंद लेते हैं। देखिए मथुरा से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थल पर, पीछे आप देख पा रहे हैं पूरे ब्रज में होली का हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जैसी पीछे आप महिला खड़ी हैं आप जानते हैं, और आज श्री कृष्ण भगवान पर होली का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरणों में देश विदेश से लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जो महिला है कि आकर होली किस तरह लोग मनाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेखा है। रेखा जी बताइए आज की होली के बारे में। बताइए आज की होली के बारे में। औरंगा है आज, होली खेलने के लिए आई है ये सब औरतें। औरंगा में क्या होता है? औरंगा में होली होती है और क्या, गुलाल उड़ता है, लठिया चलती है, बरसाने में भी होती है, कुमर सकी है। हम यहाँ के उनका कहना है कि बरसाने में जिस तरह जो लठमार होली होती है वो ही श्री कृष्ण भगवान जन्म भूमि पे भी लठमार होली होती है। तुम पीछे देख पा रहे हैं जितनी बार जो महिला खड़ी हुई है वो लठ ले खड़ी हुई है, जो क्रोशों पर लठ बरसाएंगी और लठ बरसा के और होली का आनंद लेंगी। मथुरा से न्यूज मंडी के लिए पिंटू सिंह।
बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के ग्राम टूलिया में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब ढाबा संचालक सेवाराम सड़क किनारे झोपड़ी के बाहर तखत पर खून से लथपथ मिला। बता दें कि सेवाराम के गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेवाराम का बेटा राहुल कुमार जब अपने पिता के पास ढाबे पर पहुंचा तो पिता को खून में लथपथ देख दंग रह गया, चीख पुकार मचाने लगा। फिलहाल इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि पुलिस की शुरुआती पड़ताल में कई साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने उन तत्वों के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया। परिजनों के मुताबिक सेवाराम टूलिया गांव का रहने वाला है और वो खाने का ढाबा चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एसएसपी रोहित कुमार सजवान के मुताबिक मृतक के परिजनों ने दो लोगों पर हत्या की आशंका जताई, जिसमें एक से पूछताछ की जा रही है, वहीं एक अब भी फरार बताया जा रहा है। थाना फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि शिवाराम गंगवार जो लगभग 50 साल की उम्र के हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इनकी एक झोपड़ी है जहाँ पर ये खाना बनाकर बेचते हैं। इनका जो शव है उसी झोपड़ी में इनके बेटों को मिला। इनके बेटों के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि धारदार हथियार से किसी ने इनकी हत्या कर दी है। और इनके बेटों के द्वारा दो व्यक्तियों के नाम बताए गए, जिसमें से पुलिस के द्वारा एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो दूसरा व्यक्ति है उससे उसको भी जल्द हिरासत में लेने के लिए टीम भेज दी गई है। साथ ही साथ इसमें मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साहब ऐसा हुआ था, जैसे हम लोग शाम मतलब जो यहाँ से गए थे दोनों भाई, तो जो इसके पेड़ के जो सिमरा हुआ थे वो मतलब यहाँ पर रखे हुए थे, तो हम पन्नी में भर कर जो है 9:10 पे यहाँ से गए थे, तो पिताजी ये बोले थे मेरा बिस्तर बाहर करा दे, इसमें मच्छर उच्छर लगते हैं। तो शाम जो उनके पास जो है 9 एक लड़का लेटा हुआ था, तो उसने सिगरेट पी थी और इंग्लिश की बोतल जो पी थी, तो मतलब वो यहीं पर रखा हुआ था। क्या नाम है उस लड़के का? उसका नाम साहब पता नहीं मेरे को, एक लड़का जो था परदोली का धंतिया वाला जो लड़का था वो उसे नंबर दे के गया। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि आगरा के सिनेमा घरों में फिल्म ने लगने पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से सिनेमा हॉल में आग लगाई है। वहीं आगरा के संजय टॉकीज के बाहर राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सिनेमा हॉल में ताला भी लगाया गया। वहीं राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक फिल्म नहीं लगेगी तब तक हम नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि खान फिल्म इंडस्ट्री को खुश करने के लिए कुछ टॉकीज मूवी नहीं लगी है जिसका हम विरोध करते हैं। किसी डायरेक्टर ने पहली बार हिंदुओं पर मूवी बनाई है जो सच्चाई दिखा रही है, उसको मुस्लिमी दृष्टिकरण के कारण, उनको खुश करने के कारण ये किसी भी हॉल में ये मूवी नहीं लगा रहे हैं। डायरेक्टर से हमारी बात हुई है, अनुपम खेर से ये बात हुई है, क्या कितने पर्दों पे ये मूवी लगनी चाहिए थी, उनमें थे मात्र कम से कम बहुत कम मूवी, वो भी जो हिंदुत्व को मानते हैं उन्होंने ही लगाई है, और जो मुसलमानों को मानते हैं उन्होंने कोई मूवी नहीं लगाई है। और जब तक इस हॉल में हम मूवी नहीं देख लेंगे तो हम नहीं जाएंगे। अगर ये मूवी इन्होंने नहीं लगी, उन हॉलों का हिंदू बहिष्कार करेगा और इनमें ताला भी डालेगा और इनमें आग भी लगवाएगा, ये भी हम कह रहे हैं। राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यूपी में भी टैक्स फ्री होगा, पूरे हिंदुस्तान में टैक्स फ्री होगा इस मूवी का। दूसरी बात ये है, आज हम शपथ भी लेंगे अगर जिन हॉलों में ये मूवी नहीं दिखाई गई है जाएगी, उन हॉलों में कोई भी हिंदू मूवी नहीं देखेगा। आगरा के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला डॉक्टर ने प्रसव के बाद नवजात की सांसें न चलने पर 7 तक उसे माउथ टू माउथ ब्रीफ देकर बच्चे की सांसें वापस लौटा दी। वहीं नवजात की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर की जद्दोजहद के वीडियो भी सामने आए हैं। चिकित्सक का कहना है कि वो भी एक माँ है, उस माँ के लिए बच्चे के जीवन की कीमत जानती है। जानकारी के मुताबिक आगरा के एतमादपुर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुशबू नामक महिला प्रसव पीड़ा पर लाई गई थी। डॉक्टर्स ने डिलीवरी कराई तो नवजात को सांस लेने में परेशानी नजर आई। नर्स ने तत्काल बच्चे को ऑक्सीजन लगाया और अन्य चिकित्सीय तरीके अपनाना शुरू किया, पर कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद प्रसव करा रही डॉक्टर सुरेखा ने तत्काल माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन तरीके का इस्तेमाल किया और बच्चे की जान बचा ली।
एक्चुअली ये जो है इसके इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्ची की माँ है और ये बेबी है और ये इनके साथ जो है वो आशा है। तो बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो पहले हमारी सिस्टर जो थी अनीता सिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करके अम्बू बैग से और ऑक्सीजन दे के बच्चे को सांस लाने की कोशिश की थी, पर वो सारी चीज़ें जब काम नहीं करी तो उसके बाद हमने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया। और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कम से कम 7 मिनट देने के बाद फिर बच्चे ने सांस ली और फर्स्ट ट्राई लिया। तो उसके बाद हमें खुशी हुई इन सब चीज़ों को करने के बाद। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि पैदल जा रहे युवक को अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने आक्रोशित होकर मेडिकल कॉलेज के गेट पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। और यहाँ रुक रहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसी एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job.
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कन्नौज के सदर कोतवाली के जीटी रोड स्थित यूपीटी होटल के सामने ऑटो चालक को 50,000 रुपए के नोटों की कट्टी सड़क पर पड़ी मिली, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर ने मिले हुए रुपए पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति के बैग से नोटों की कट्टी गिरता देख ऑटो ड्राइवर ने युवक को आवाज दी, लेकिन वो नहीं सुना। हालांकि पुलिस पैसों को जब्त कर जाँच में जुट गई है। फतेहपुर के खकरेलू थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण दो पक्षों में मारपीट हो गई, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बेरहमी से मारता दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हमीरपुर के कुचेछा में सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। इस पेरेंट्स मीटिंग में कक्षा 8वीं के छात्र अयान द्वारा लिखित पुस्तक बिलीव एंड द फ्रेंडशिप का विमोचन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल के छात्रों ने नृत्य का मंचन कर उपस्थित जनसमूह का मनोरंजन करते हुए अपनी कला का प्रदर्शन किया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अयान अली, द ऑथर ऑफ द बुक बिलीव एंड द फ्रेंडशिप। As I have written this book, then so I have to tell that we all get the relatives in our life by birth only, but friendship is a thing which is in our hand that we choose in our life. And what type of friendship do we need in life, and what type of belief and faith we need among each other in this world? The book is based on that topic only. And if we talk about from where I got the idea, so I got this idea from my father. As one day when we were normally concerning about something, my father stated that he had to write a book. So from there I got the idea that if my father is writing a book, then I should also write one. So from that day only I started writing, and then in approximately 2 months प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली के चकबंद तोड़ गांव में बेसहारा महिला की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। वही चकबंद तोड़ के पीड़िता राधा मिश्रा के मुताबिक उसकी सौतेली मां शांति देवी पिता की मौत के बाद से ही गांव के कुछ लोगों की निगाह पिता की संपत्ति पर है, जिसके चलते सौतेली मां शांति देवी के साथ ही उनके कुछ सहयोगी उसे परेशान करते हैं। पीड़िता ने एसपी प्रतापगढ़ को शिकायती पत्र देकर सौतेली मां के विरुद्ध अश्लीलता और मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही घर में रखी 20,000 की नकदी और सरसों की कटी फसल उठा ले जाने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर एसपी प्रतापगढ़ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घर खाली करिए, जान मार देंगे तुमको, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? हमारी सौतेली माँ करी, उसके जो पड़ोसी है वो लोग कह रहे हैं। हमको कल मारे भी है, छेड़खानी भी किए हैं, हमारे घर पे जितना तार और जितना सामान था कुछ चोरी में उठा भी ले गए हैं। सरसों भी एक ट्रैक्टर था, पूरा खेत भी हमारा कटवा के ले गए हैं, सारा कुछ सब कुछ उठा ले गए हैं। ये आपकी सौतेली माँ क्यों विवाद करना चाह रही हैं? क्या वजह है कि आपसे आए दिन जो है झगड़ा कर रहे हैं? ये नहीं, इनके कहने से जो पड़ोसी हैं संगम मिश्रा, लल्ले मिश्रा, विनोद मिश्रा, तो इन्हीं के कहने से वो चल रही हैं। जो ये लोग कहते हैं वही करती हैं, इसीलिए वो इन्हीं के कहने से वो लोग हमको मारे भी थे, हमको धमकियाए भी थे, छेड़खानी भी हमारे साथ की, हमको डंडे से पीटे हैं मर्द होके। हमको बताइए हम कहाँ जाएं, बताइए, हम बिल्कुल नाराज, हमारे पिताजी तो खत्म हो चुके हैं, हमारे पापा को मरवा दिए हैं भोजन देके। सहारनपुर के थाना सरसावा किशन मुराब में शराब तस्करों से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां शराब तस्करों ने थाने में पहुंचकर माफी मांगी है। बता दें कि जितेंद्र जोगेंद्र बिट्टू बंटी पुत्रगण सुशील निवासी किशनपुरा थाना सरसावा शराब तस्कर में लिप्त थे। सभी आज थाने पर अपनी मां के साथ उपस्थित हुए और अपराध से तौबा करते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी का लगातार भय बना रहता है, जिससे वे रात को चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर सख्त दाय दी है और थाने से छोड़ दिया है।
विधानसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पहले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गाड़ी चेक करना बहुत भारी पड़ रहा है। बता दें कि पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुरानी बस्ती थाना पर 7 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें लगभग 100 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि मतगणना से एक दिन पहले 9 मार्च को बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मंडी समिति पर जमे थे। मंडी समिति के गेट पर बिना किसी को चेक किए मतगणना स्थल तक नहीं जाने दे रहे थे। सपा नेताओं को ईवीएम मशीन बदले जाने का शक था, जिसको लेकर जितने भी अधिकारी कर्मचारी गाड़ी लेकर अंदर जा रहे थे उनकी गाड़ियों को चेक कर ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। चुनाव प्रेक्षक एसडीएम समेत सभी गाड़ियों को बिना चेक किए मंडी में प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा था। वहीं चुनाव के बाद प्रशासन की ओर ही कार्रवाई को लेकर सपा विधायकों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपकर उत्पीड़न का आरोप लगाया। सपा के बस्ती सदर विधायक महेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस सपा नेताओं कार्यकर्ताओं के घर पर रात में छापे मार रही है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सपा नेताओं द्वारा अनैतिक रूप से सरकारी गाड़ियों को चेक कर रहे थे। प्रेक्षक समेत एसडीएम की गाड़ी चेक की गई थी, जिसको लेकर 7 तहरीर प्राप्त हुई हैं। तहरीर के आधार पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। धारा 307 CLA समेत अन्य धाराओं में अनैतिक रूप से सरकारी गाड़ियों को चेक करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये 9 तारीख को मतगणना स्थल पर जो भी सरकारी गाड़ियाँ जा रही थी, जिसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो अन्य उच्चाधिकारी थे, उनकी गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक रूप से चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो संबंधित अधिकारियों के साथ में जो भी व्यक्ति कर्मचारी थे उनके द्वारा लिखाए गए हैं। इन अलग अलग मुकदमों में लगभग एक ही बात लिखी है और इनमें 7 CLA एक्ट और 307 की धारा लगी हुई है, सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा लगी हुई है। इनमें कुछ व्यक्ति ज्ञात, करीब 6-7 ज्ञात और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। समाजवादी पार्टी के 4 विधायक यहाँ से चुनाव जीते हैं, तब से लगातार पूरे जिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगा करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी विषय में हम लोग डीएम साहब से मिल रहे हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? डीएम साहब से हम लोगों ने कहा है कि जो हमारे नेताओं का कार्यकर्ताओं का फर्जी मुकदमे लगा करके उत्पीड़न किया जा रहा है, बंद हो, नहीं बंद होगा तो हम लोग अपने हिसाब से सड़क से लेकर सदन की लड़ाई करने का काम करेंगे। तो क्या माना जाए कि दिया है तो क्या माना जाए कि सत्ता पक्ष के इशारे पर आपके कार्यकर्ताओं का वो उत्पीड़न हो रहा है? एकदम सत्ता पक्ष के इशारे पर, चूँकि 5 की में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में गई है। कानपुर से चलकर चौटगरा कस्बे बिनकी विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक जय कुमार सिंह जैकी पहुंचे। वहीं निर्वाचित विधायक का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया, जिसके साथ ही बुलडोजर पर सवार होकर समर्थकों ने जुलूस भी निकाला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ।